गुलबर्गा शहर में अयुबन सेंस ग्रुप की ओर से जनाब हाजी इस्माइल साहब कारीगर की निगरानी में अल हमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए एक रोजा उमरा तरबियती कैंप 20 सितंबर को जब्बार फंक्शन हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरबियती कैंप में हजरत मौलाना जावेद अख्तर मिजबाई साहब ने खसूसी तौर पर उमरा जाने वाले मर्द व खवातीन की तरबियत फरमाई है। अल हमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 24 सितंबर को रवाना होने वाले रबीउल अव्वल उमरा ग्रुप के लिए तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अगले महीने 11 अक्टूबर को रवाना होने वाले ग्रुप के मर्द व खवातीन भी इस कैंप में मौजूद थे और दूसरे ट्रैवल्स के जरिए उमरा जाने वाले हजरात भी इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा हासिल किए हैं। अल हमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का एक भरोसेमंद ट्रैवल है जो अपनी शानदार सर्विस और बेहतरीन खिदमात के लिए जाना जाता है। याद रहे 24 सितंबर को रबीउल अव्वल उमरा ग्रुप रवाना होने जा रहा है और अगर आप इस ट्रैवल्स के जरिए उमरा जाना चाहते हैं तो अगला ग्रुप 11 अक्टूबर के लिए बुकिंग अवेलेबल है। इसके अलावा भी हर महीना उमरा ग्रुप अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ट्रैवल्स के जिम्मेदारों से राब्ता कर सकते हैं। इस तरबियती कैंप में शाह मोहम्मद मिनाजुद्दीन बादी, अलहाज इस्माइल कारीगर, अलहाज जाफर कारीगर, अब्दुल जब्बार साहब, अलहाज अशरफ कारीगर, सगीर कारीगर और मोहम्मद ओवेस कारीगर मौजूद थे। उमरा तरबियती कैंप की तफसीलात के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप दीगर ज़रूरी मालूमात के लिए अल हमजा टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑफिस बिसाइड इनामदार पेट्रोल पंप दरगाह रोड पर विजिट कर सकते हैं। उन तक वो बातें आप तक पहुंचाता हूं। बाज़ लोग हरमैन शरीफैन इसलिए जाना चाहते हैं कि अल्लाह ने पैसे दिए हैं, चलो अल्लाह के बारगाह की, अल्लाह के घर की ज़्यारत कराएँ। क्यों, किसी की ज़्यारत करना मकसूद होता है। किसी ने तारीख़ इस्लाम पढ़ लिया था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, वो मक्की ज़िंदगी भी सुनी थी, मदनी ज़िंदगी भी सुनी थी, तो बाज़ को ख्याल गुजरता है चलो वो मक्का और मदीना देख आएँ जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि मुझे मेरे पैसे दौलत शौहरत मिल गई है, मेरी औलाद ने मुझे हरमैन शरीफैन जाने के लिए कहा है, बस वो नीयत से निकल रहे हैं। सबकी नीयत मकसद अलग अलग है और जो जिस नीयत और मकसद के लिए जाएगा उसको उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं ज़िक्र करूँ कि हमें हरमैन शरीफैन जाना क्यों है, वो मक्का और मदीना की ज्यारतें क्यों करनी है, वहाँ जाकर काबतुल्लाह के साथ चक्कर क्यों लगाने हैं, सफ़ा व मरवा की वो दौड़ क्यों रखनी है, आब जमज़म पेट भर के क्यों पीना है। अगर हम और आप देखें तो जिस तरह से मैंने गुफ्तगू की है कि इंसान की ज़िंदगी बुराइयों से जुड़ जाती है, बुराइयाँ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, कल क़यामत में उसको हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जब अल्लाह ने ये पुरमसरत मौका इनायत किया है कि मेरे घर आओ, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो, मुझे माफ़ करने वाला खूब पाओगे, तो मैं कहूँगा कि उमरा करना इसी नीयत की बुनियाद पर है कि गुनाहों का अंबार मेरी ज़िंदगी में आ चुका है, गुनाहों से लथपथ मैं हो चुका हूँ, बुराइयाँ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, अल्लाह के हुकूक मैंने ढंग से अदा नहीं किए, बंदों के हुकूक मैंने अदा नहीं किए हैं, इन सारे हुकूकों में जो कमियाँ रह गई, जो गलतियाँ रह गई, एक एक को अपने जहन के स्क्रीन पर वापस लाएँ और उसको याद करें और अल्लाह की बारगाह में एक एक गुनाह की माफ़ी चाहें, इसलिए मैं उमरा करने जा रहा हूँ। पहले 3 मरतबा रमल करना है। रमल का मतलब होता है थोड़ा अकड़ के चलना, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुनिया के किसी मकाम पर अकड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ 3 चक्कर के मौके पर अकड़ना है। इसकी रिवायत बयान की गई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा उमरा फरमाया तो कुछ कुफार खड़े होकर वहाँ पर मुसलमानों की कमज़ोरी को देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये तो खाने पीने के मोहताज हैं, इनको चलना फिरना ढंग का नहीं आता, तो ये लोग कैसे चलेंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमज़ोर बताने के लिए सहाबा को इरशाद फरमाया कि थोड़ा अकड़ के चलो। अकड़ने में एक एतबार बताया गया है कि ऐसे चले इस तरह से, ये 3 चक्कर के दौरान में, और ये दूसरा जो कपड़ा होता है इस तरह से, जब एहराम की नीयत ना हो तो ये कपड़ा सर पे भी रह सकता है, जब एहराम की नीयत अभी नहीं थी, सर पे भी रह सकता है, मुंह पे भी आ सकता है, सब आ सकता है, लेकिन जब एहराम की नीयत हो गई तो उसके बाद इस कपड़े की कैफियत, हरम शरीफ में जब आप दाखिल ना हो तो तब तक ये ऐसा रख सकते हैं आप, और कोशिश करें कपड़ा ऐसा हो तो पहले ही पानी में भिगा लें, नहीं तो ये सूरत तो रहेगी कि आप ऐसे डालते रहेंगे वो नीचे आता रहेगा, डालते रहेंगे नीचे आता रहेगा, कपड़ा पानी में भिगा लें, ये सूरत है कि आप इस तरह से रखें। लेकिन जब तवाफ़ शुरू करेंगे, तवाफ़ शुरू करने से पहले यही कपड़ा ऐसे हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी सूरत ये है कि ये
खुला हुआ रहता है, इसको कहते हैं कि इस्तेबा। होटल जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, खाना वगैरह से फारिग हो जाएंगे, फिर फौरन जो है ना साथ में इंशाल्लाह ताला उमरा के लिए हम चलेंगे। उमरा से फारिग होने के बाद फिर आप जो है ना अपने रोजमर्रा के मामला वहाँ कर सकते हैं। चाहे तो आप फिर से उमरा करना चाहते हैं तो मस्जिद आयशा जो कि 4-5 किलोमीटर के फासले पर बजरिए टैक्सी जाना होगा, आप जितनी मरतबा चाहे उतनी मरतबा जाना वहाँ से उमरा कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा उमरा जिसको आमतौर पर कहा जाता है मस्जिद जुराना से किया जाता है, वो उमरा भी इंशाल्लाह ताला ग्रुप की तरफ से ट्रैवल्स की तरफ से आपको ले जाकर इंशाल्लाह ताला कराया जाएगा। मजीद जो है ना अगर आपको कोई चीज़ मालूम करनी है तो आप जो है ना कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और जो है ना मालूम हासिल करते हैं। ख़ास तौर से इसका इस बात का ख्याल रखें एयरपोर्ट पर वक्त पर पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अलहमज़ा टूर ट्रैवल्स की जानिब से आज जब्बार फंक्शन हॉल में उमरा तरबियती कैंप रखा गया था, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला ने बड़े अच्छे अंदाज़ में उमरा की सआदत किस तरह करना है, उमरा किस तरह अदा करना है, रोज़े रसूल में वहाँ पर हाज़िरी किस तरह देना है, बड़े आसान अंदाज़ में बयान फरमाया। और ये जो काफ़िला है 24 तारीख को जाने वाला है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इस उम्रे के जो लोग जा रहे हैं उनका उम्रा कबूल फरमाए और हुजूर के रोज़े में इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हाफिज़ मोहम्मद कलीम कारीगर यूब एंड सन्स आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलहमज़ा टूर एंड ट्रैवल्स का आज उम्रा तरबियती कैंप रखा गया था, जिसमें हमारी तरफ से जाने वाले मोहतमरीन हजरात ने शिरकत की थी और दीगर ट्रैवल से जाने वाले हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रबीउल अव्वल शरीफ का काफ़िला जो कि 24 सितंबर को निकलेगा इंशाअल्लाह ताला, और एक काफ़िला हमारा 11 अक्टूबर को निकलेगा, उसकी बुकिंग अभी जारी है। रबीउल अव्वल शरीफ का काफ़िला तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। 10 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर को जिनकी फ़्लाइट है वो काफ़िला 10 अक्टूबर को निकलेगा, जिसकी बुकिंग अभी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग भी स्टार्ट है और उस पैकेज से जाने वाले हजरात भी यहाँ शिरकत किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें इखलास के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे आगे के तमाम मराहिल को मरासिल को आसान से आसान तर फरमाए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।